साथियों, जय जवान जय किसान, मैं आपका रवि आजाद। साथियों, हम हैं बणोदी सुगर मिल, नारायणगढ़ जिला अंबाला, और हमारे दाएं और बाईं तरफ भारतीय किसान यूनियन के नेता, पदाधिकारी और तमाम किसान किसान पंचायत के बाद यहां मौजूद हैं। और साथियों, आज यहां सुगर मिल पर किसान महापंचायत हुई, और किसान महापंचायत का मुद्दा था कि जो 70 करोड़ रुपए की गन्ने की पेमेंट बकाया है और जो 35 करोड़ रुपए के क्रॉप लोन किसानों के नाम से लिए गए, जो एक बड़ा घोटाला मिल में बैठे हुए लोगों ने किया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए इन दोनों मुद्दों को लेकर के महापंचायत रखी गई। एसडीएम सहित तमाम मिल प्रशासन के लोग यहां आए और एसडीएम ने बकाया पेमेंट के लिए और क्रॉप लोन वाले घोटाले के लिए 10 दिन का समय किसानों से मांगा है। 10 दिन का समय किसानों ने दिया। 10 दिन में अगर बकाया को लेकर के और क्रॉप लोन वाले घोटाले को लेकर के सरकार और प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई नहीं की, किसानों को उनके गन्ने की पेमेंट नहीं मिली, तो फिर 10 दिन के बाद कड़ा निर्णय लिया जाएगा और अगली जो मीटिंग आंदोलन होगा वो एसडीएम नारायणगढ़ के दरवाजे पर होगा। और मेरे साथ तमाम अधिकारी हैं, हमारे भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष निर्मल सिंह जी हैं, करणवीर जी हैं यमुनानगर से, हमारी महिला मंडल अध्यक्ष बहन सुखबीर कौर जी यहाँ मौजूद हैं, अनुराग लठवाल जी हैं, और हमारे प्रधान गुलाब सिंह जी हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, जिले के महासचिव ऋषिपाल जी हैं। और इस वीडियो के माध्यम से तमाम साथियों से, तमाम किसानों से ये निवेदन, प्रार्थना, अपील है कि वो बणोदी सुगर मिल के ऊपर नज़र बना करके रखें। ये मिल जिसके सबसे बुरे हालात हैं, अब इसको सुधारने के लिए लगातार आंदोलन चलेगा और आपके सहयोग की ज़रूरत रहेगी। यहाँ के किसान भी जगें और उनका साथ देने के लिए हम सब भी साथ आएं। आज की महापंचायत में बड़ी संख्या में किसानों और नौजवानों ने भाग लिया। आगे के जो निर्णय होंगे वो आपको बताए जाएंगे। सब साथियों का धन्यवाद। सबको जय जवान जय किसान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।